अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला अलिका वसाबिका या हबीबल्ला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन विद बानो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, मगर वो रेसिपी क्या है इससे पहले आपके साथ शेयर करूँगी हदीस मुबारक। व्यूवर्स, आज की तो हदीस मुबारक है, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है और हदीस नंबर है 1484। ये दुआ के बारे में है कि इसमें जल्दी ना की जाए, इसकी कबूलियत के बारे में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो जल्दबाजी से काम न ले और ये नहीं कहने लगता कि मैंने तो दुआ मांगी लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई। व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि हमें दुआओं में कसरत से हमें दुआ करनी चाहिए इस यकीन के साथ कि हर दुआ कबूल होती है, और जल्दबाजी नहीं कि हमारी अभी दुआ कबूल नहीं हुई, अब तो हमने दुआ मांगनी ही नहीं, हमारी तो दुआ अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करते। इस किस्म की शिकवे नहीं करनी अल्लाह ताला से, सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी अपने लिए भी, अपने अहले वयाल के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। ठीक है, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम जो बना रहे हैं वो गाजर का हलवा है, बहुत मुनफरिद मज़ेदार और झटपट रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। व्यूअर्स, मैंने 3 किलो दूध लिया है जो मैंने गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है, तो रिड्यूस होकर जब आधा हो जाएगा तो उसमें मैंने डालनी है गाजरें। गाजर भी मैंने ली है तकरीबन 1.5 किलो, यानी आधी क्वांटिटी है दूध से। और इसके अंदर मैंने बादाम लिए हैं गार्निशिंग के लिए, घी देसी घी आप ले सकते हैं, मेरे पास वनस्पति घी था मैंने वही ले रही हूँ, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है। और आपने गार्निशिंग के लिए काजू पिस्ते वगैरह जो जो आपको पसंद है ले सकते हैं, किशमिश मत डालिएगा इसके अंदर। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये हमने इसमें चीनी ली है, चीनी मैंने इसके अंदर ली है 1 कप से कुछ कम, आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब ये देखिए हमने इसमें इसका दूध वगैरह ड्राई हो गया, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी और घी। और व्यूअर्स, अब चीनी डालने के बाद क्या करना है, हमने इसको बिल्कुल भी हाथ ही रोकना मुस्तकिल चलाना है ताकि चिपके ना, और 10-15 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई में और बस फिर ये तैयार हो जाएगा। और व्यूअर्स, जब हम दूध डाल के गाजर को पकाते हैं तो उस वक्त हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट देते हैं और हम इसे चला सकते हैं कि थोड़ी देर रुक गए फिर चला लिया फिर रुक गए, अगर आप किसी काम में मसरूफ हैं तो, अदरवाइज़ आप मुस्तकिल चलाएंगे तो उसकी लज्जत बहुत अच्छी होगी। तो अब यह है कि अब इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ, लेकिन चीनी डालने के बाद इसको आपने बिल्कुल ही नहीं चला। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है, अब आपको बताना है कि बना कैसे है, इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्यूअर्स, आधा मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था, गार्निशिंग वगैरह जो है ये बाद में की है, और इसके अंदर हमने लाजमी तौर पर अंदर मैंने इसके ड्राई फ्रूट को ऐड किया है, आपने भी इसी तरह करना है। मैंने इसको बिल्कुल भी ग्रेट नहीं किया, काटा नहीं, कुछ भी नहीं, साबुत ही डाला है इसमें, जो साबुत इसका मज़ा आता है ना मेवे का, उसकी बात ही क्या है व्यूअर्स। अच्छा, ये देखिए जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत ब्राइट कलर है, चमकदार। तो व्यूअर्स, की वजह यही है कि इसके अंदर जो दूध है और खोया है वो बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ है, दानेदार सा वो बन गया उसका टेस्ट। बज़ाहिर वो देखने में इतना नुमाया नहीं हुआ क्योंकि अलहदा से हमने बना हुआ खोया जो डालते हैं उस रेसिपी का टेस्ट कुछ और होता है, लेकिन इसका जो है दूध इसके अंदर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया, खूब भुनाई होने के बाद तो दाना सा उसका बन गया है, बहुत टेस्टी। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़ेदार बना है। अब मैं आपको खाकर बताऊँगी कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ तमाम व्यूअर्स के लिए मोहब्बत और प्यार करने वाला। माशाल्लाह सुभानअल्लाह तबारकअल्लाह, व्यूअर्स बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है व्यूअर्स। इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है, जब आप इसकी भुनाई अच्छी करेंगे, जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी यानी इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे, ड्राई होना चाहिए इसे। अंदर चीनी बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक शाइन है इसके अंदर हलवे में जो होनी चाहिए। इसी रेसिपी के अकॉर्डिंग आपने एक बार बनाना है, मुझे बताना है कि कैसा बना है। और आखिर में हमें कुरान दुआ ऐड करते हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इसका तर्जुमा है, ए हमारे रब, हमने गुनाह करके अपने आप पर बहुत जुल्म किया है, और अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। ये सूरह आराफ़ की आयत नंबर 23 है व्यूअर्स, और ये दुआ हुजूर पाक अल्लाह ताला ने खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बा को तलकीन फरमाई थी, उन्हें सिखाई थी, और इसके मांगने के बाद उनकी मगफरत की थी, उनकी दुआ को उनके हक़ में कबूल किया था। तो व्यूअर्स, ये दुआ नमाज में ज़रूर शामिल कीजिएगा। जी व्यूअर्स, आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हर घर का दस्तरखान सजा रहे, आबाद रहे। इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।